कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी थलाइवी का ट्रेलर बेहद खास मौके पर रिलीज कर दिया गया है। 23 मार्च को कंगना के जन्मदिन के खास मौके पर उनके फिल्म का ट्रेलर फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जैसे कि थलाइवी के टीजर और इसके पोस्टर्स में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के रूप में कंगना ने अपना दमदार लुक दिखाया था, ठीक वैसे ही ट्रेलर में भी जयललिता के किरदार में कंगना का मजबूत अभिनय देखने को मिल रहा है। ट्रेलर की शुरुआत जयललिता के फिल्मी करियर के साथ शुरू होती है, फिर आता है जयललिता के राजनीतिक सफर का वो पहलू जब उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में एक मां के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई। ट्रेलर में उस घटना को भी दर्शाया गया है जिसने जयललिता के पॉलिटिकल करियर को एक नई दिशा दी थी। उनके साथ भरी सभा में की गई बदतमीजी ने कैसे उनके स्वाभिमान पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रेलर में कंगना ने जयललिता के बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से रूबरू कराया है। ट्रेलर देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म के डायलॉग्स काफी कमाल के हैं, जैसे अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, उड़ान अभी बाकी है, स्वाभिमान की इस लड़ाई में गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, पर अब पीछे नहीं हट सकते, अगर मुझे माँ समझोगे तो मेरे दिल में जगह मिलेगी, अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। ट्रेलर में कंगना को जयललिता की तरह चाल ढाल, पहनावा और उसी अंदाज में हर काम को करते देखना वाकई शानदार लग रहा है। इस 3.5 मिनट की पेशकश में कंगना बारीकी से जयललिता को पर्दे पर पेश करती नजर आई हैं। हाल ही में कंगना ने फिल्म से अपनी कुछ फोटोज जारी किए थे जिनमें वो हूबहू जयललिता की तरह ही नजर आई थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, #थलाइवी ट्रेलर के रिलीज में एक दिन रह गया है, फिल्म के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना और फिर उसे कुछ महीनों के अंदर कम करना बड़ा चैलेंज था जिसे मैंने इस बायोपिक के शूट के दौरान फेस किया। कुछ घंटों के बाद जया हमेशा के लिए आपके बीच होंगी। इस ट्वीट में उन्होंने 3 फोटोज शेयर की थी जिसमें 2 तस्वीर जयललिता की फिल्मी जिंदगी से जुड़े हैं और 1 फोटो उनकी राजनीति में आने के बाद के सफर को दर्शाती है। बता दें कि थलाइवी का निर्देशन AL विजय ने किया है। फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। काफी समय से चर्चा में रही इस फिल्म में कंगना को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते इंडिया।